जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धारा 144 लागू कर दी गई है, इसके बावजूद जो यहाँ पे धरना प्रदर्शनकारी हैं जो कि मणिपुर तरफ से आए हुए हैं उनको तो एंट्री कर दी गई है, लेकिन जो यहाँ पे जो महिला खिलाड़ी हैं उनके समर्थकों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की है, उसके उपहार देने के लिए हम उनको धन्यवाद अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तक ये संदेश गुलाब के द्वारा देना चाहते हैं। जो हमारे देश की आन बान शान, हमारी बेटियों को जिस तरह से घसीटा गया, उनके कपड़े तक फाड़े गए, हम आज यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले हैं उनको गुलाब देकर उनको ये बताना चाहते हैं कि आप इस तरह से हमारे देश की बेटियों के साथ जो व्यवहार किया है ये बहुत शर्मसार है। और मैं गुलाब देकर उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये देश प्रेम के माध्यम से जाना जाता है। और आपको एक बता देना चाहते हैं, पूर्व पुलिस अधीक्षक NCP अध्याना उनका नाम है, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट बजरंग पुनिया जी को बोलते हैं आपको कचरे की तरह घसीट के फेंक दिया गया है और आप ज़्यादा अगर उछलोगे तो आपका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्व बात है, एक पूर्व पुलिस अध्यक्ष ऐसी बातें बोल रहा है। ये हमारे देश की लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। और हम आपके मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान के सभी बहनों, हमारी गला बैठ गया, पहले हम आपको बता दें हमारे हिंदुस्तान की बेटियों को जो न्याय देना चाहिए, जिस जजिस्टों को, जिस न्यायपालिका को, जिस पुलिस वालों को आज हमारी बहनों के साथ कैसी बदसलूकी की है, और हमारे गोल्ड मेडलिस्ट बजरंग पुनिया को इनकाउंटर करने की बात कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और मैं पुलिस वालों को आज रोज़ देना चाहता हूँ, गुलाब देना चाहता हूँ, ताकि उनकी मानसिकता बदल जाए। और ये संदेश में दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी देना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र है, उसको कुचलने का काम ना करें। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं हिंदुस्तान की जनता से और अब खास करके अपने बहनों से अपील करना चाहता हूं, मेरा नाम कुलदीप यादव है। जिस प्रकार से कृष्ण भगवान ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होते हुए रोका, बचाया था, उनकी इज्जत को बचाया था, मैं कुलदीप यादव इस जंतर मंतर की धरती पे से शपथ लेता हूँ, जब तक मेरी बहनों को न्याय नहीं मिलेगा, इस सरकार से न्याय नहीं दिलवा दूँगा, तब तक मैं पीछे हटूँगा नहीं। आज मेरी बहनें यहाँ जंतर मंतर पर ना उपस्थिति के कारण कई लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि पहलवान बेटियाँ हैं कहाँ पे, तो मैं अपने देश की सभी लोगों से बता देना चाहता हूं कि हमारी बहनें इस समय बहुत ज़्यादा घायल हैं, क्योंकि कल आपने देखा किस प्रकार से उनको घसीटा गया, उनको किस प्रकार से उनके कपड़े फाड़ दिए गए। जहां पे लेडीज़ पुलिस को उनके साथ होना चाहिए, वहां पे जेंट्स पुलिस वालों ने किस तरह के उनके साथ बर्ताव किए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ये भी बोलना चाहता हूँ कि कल हमारे हमारे देश के प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन किए और संसद का उद्घाटन किया और उसी दिन हमारे देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों का किस प्रकार से सड़कों पर घसीट घसीट कर उनके चामों को छीला गया, उनके शरीरों से ब्लड निकाल दिए गए। आज मेरी बहनें बहुत अस्वस्थ हैं और हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूं कि आपकी उन बेटियों को बहुत आवश्यकता है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी राम राज्य चाहता हूँ। ये ब्रजभूषण जैसे दुराचारी को जो BJP सरकार बचाने का काम कर रही है, ये हमारे आने वाले युवाओं के लिए दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आज इन बेटियों का आवाज़ दब गया तो आने वाले समय में किसी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। मेरी बहनों से, माताओं से अपील है, आगे आएं और अपनी बहनों के साथ खड़े हो जाएं। पंडित जी, गुलाब देकर आप मोहब्बत का पैगाम देने जा रहे हो? हाँ, मैं गुलाब देकर मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। और हम एक पैगाम पूर्व DGP NC अध्याना को भी देना चाहते हैं कि हमारे अस्थाना, उनका NC अस्थाना जी को, कि जिन्होंने हमारे बजरंग पुनिया गोल्ड मेडलिस्ट को
इनकाउंटर करने की बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें आज कचरे की तरह हटा दिया, ये मेरी हिंदुस्तान की जनता देख रही है, हमारे देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, अब हिंदुस्तान की जनता आगे आए और इस समय हम चल रहे हैं, आदेश होगा उनके आदेशों पर चलेंगे और ये जंतर मंतर से धरना हमारा खत्म होगा। सर धन्यवाद सर, आप कब से प्लीज आगे आगे, अरे भाई आगे उधर जाओ ना, प्लीज मना कर दें, आप देख रहे हैं, अपन मना कर रहे हैं ना, देख रहे हैं समर साथी वो गुलाब दे रहे हैं, गुलाब दे रहे हैं और बैठना नहीं है, कुत्ता बना के रखे हुए हैं, आप पहलवान समर का गुलाब दे रहे हैं, पुलिस गुलाब लेने से भी इंकार कर रही है, ये मोहब्बत का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम के लिए हम मैंने आए हैं और मैंने कह रहा हूं जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जंतर मंतर पे प्रदर्शनकारी आए हुए हैं महिला पहलवानों के समर्थन में, वो पुलिस वालों को गुलाब दे रहे हैं और गांधीगिरी के माध्यम से पुलिस को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम अहिंसात्मक रूप से हम आप लोग के हम यहाँ पे धरना देने आए हैं और देखिए किस तरह से हमारी बेटियों की आन बार काम की लड़ाई है और ये हम कभी खत्म होने नहीं देंगे, जब तक उनको न्याय नहीं दिलवा देंगे हमारा खून यहाँ से निकल जाएगा। मैं पूर्व पुलिस अध्यक्ष उनको भी गुलाब देना चाहता हूँ, गुलाब देंगे, इसलिए गुलाब देंगे कि अगर उनके दिमाग में कचरा भर गया, IPS अधिकारी है, कम से उन्हें ये सोचना चाहिए जो हमारे देश को गौरव बनाए, हमारे देश की तिरंगा को विश्व में लहराए, आप उनको कचरे की बात कर रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं कचरे की तरह फेंक दिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा है, उसको आप मारने का काम मत करो। ये धारा 144 लगाई है जो DCP ने ऑर्डर दिया है, आप उनको भी गुलाब देंगे? हम इनको भी गुलाब देना चाहते हैं, अभी देख लीजिए हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं लेकिन उनको भी दे रहे हैं कि हम अकेले ही काफी है, हम यदुवंशी कृष्ण के वंशज हैं, हम भरी सभा द्रौपदी की इज्जत बचाए, तो आज हम भी यहाँ जंतर मंतर पे देश की बेटी है, देश की बहन है, उनके लिए तन मन धन से हम समर्पित।